सुनो, ये फातिमा कौन है? लो, हो गई शुरू। तुम खुद कॉल करके क्यों नहीं पूछ लेती? बताओ जरा, तुम सारा दिन करते क्या हो? तुम लड़कियों से बातें करने जाते हो ऑफिस? अजीब औरत हो तुम। एक बार बस इंसान घर आ जाए सही, और इस औरत के तमाशे शुरू। तो जाओ फिर उसी के पास चले जाओ। तो फिर यहाँ क्या करने आते हो घर तुम? चले जाओ फिर उसी के पास। यहाँ क्या करने आए हो घर पे? यार मैं किस जहन्नुम में रहता हूँ यार, मुझे समझ नहीं आती मैं इस घर में लेने क्या आता हूँ। ऐसा करो, तुम रखो अपना घर अपने पास, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मुझे नहीं रहना इस घर में, जिस घर में सुकून ही नहीं है। जहन्नुम बना के रख दिया तुमने इस घर को। अजीब औरत हो तुम यार, घर आ जाओ तमाशे लगाना शुरू कर देती हो। मुझे नहीं पता ये कौन फातिमा है, कॉल करके खुद पूछ लो। छोड़ो मेरी जान, जा रहा हूँ मैं। चले जाओ, वहीं चले जाओ, उसी के पास चले जाओ बस। हम माँ बाप भी अजीब करते हैं, हर बात को, जरा सी बात को लड़ाई का रंग दे देते हैं। हम शायद ये नहीं जानते, हमारे ये रवैये, हमारी ये हरकतें हमारी नस्लें तबाह करके रख रही हैं। आज तक जितने भी लोग मेरे पास कोचिंग के सिलसिले में आए हैं, उनमें से 90% वो लोग थे, या मोर देन इससे ज़्यादा होंगे, जिनके माँ बाप बचपन में लड़ाई झगड़ा करते थे, उनको टाइम नहीं देते थे, उनको समझते नहीं थे, उन्हें समझाते नहीं थे। हमारे रोज के लड़ाई झगड़े ना सिर्फ हमारा ज़हनी सुकून, बल्कि हमारे बच्चों का भी ज़हनी सुकून बर्बाद कर रहा है। जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने अपनी बेगम से ये बात शेयर की कि यार आइंदा के बाद हम दोनों लड़ेंगे नहीं। तो जिस पे मेरी बेगम ने जवाब दिया, लड़ते तो हमेशा आप हैं, मैं नहीं। उस दिन मुझे अंदाज़ा हो गया कि औरत जो है वो हमेशा इस चीज़ को कहती है, वो खुद लड़ भी ले तो वो कभी अपनी गलती को तसव्वुर नहीं करती। हमारे इधर बहुत बड़ा अलमिया है कि हम कहते हैं कि आज की औरत बड़ी एडवांस हो गई है, बड़ी ज़ुबान दराज हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो आज का मर्द भी तो बड़ा बेगैरत हो गया है। आज का मर्द जो है उसके अंदर भी तो सब्र तहम्मुल ख़त्म हो गया है। जो मामलात हैं वो दोनों तरफ से ख़राब हो रहे हैं। अगर आप एक लम्हे के लिए सोचें तो अगर आप इस रिश्ते को तोड़ देंगे, औरत को नया शोहर मिल जाएगा, मर्द को नई बीवी मिल जाएगी, पर क्या बच्चों को एक नया बाप मिल सकेगा कभी? क्या वो शफकत का हाथ कभी फिर मिल सकेगा? नहीं मिल सकेगा। तो खुदारा बच्चों को अपने मामलात से दूर रखें। कोशिश करें कि घर में कभी ऐसा लड़ाई झगड़ा ना करें आप। अगर कोई मामलात ऐसे ख़राब हो ही रहे हैं तो दोनों मिल बैठ के बड़ी धीमी सी आवाज़ में, बड़े धीमे से लहजे में मामले को सॉल्व करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। और प्लीज़ बच्चों के मुस्तकबिल के साथ ना खेलें, या आपकी छोटी छोटी बातें आपके आने वाले फूलों की नस्लें तबाह कर देंगी, आपके आने वाले फूलों को तबाह बर्बाद करके रख देंगी। मुसलमान कभी एंजाइटी और डिप्रेशन में नहीं आ सकता। मेरी इस बात पे गौर ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि लोग अपनी नस्लों को बचा सकें। शुक्रिया आपका।